देखिए, आप लोगों को हमने बहुत कुछ बता रखा है और आज हम एक और मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जरा कि किस तरीके से हम उसको बनाएंगे 3D में। 3D की बाकी सारी चीजें भी मैंने दे रखी हैं आपको पहले से। तो खुलने दीजिए, बताते हैं। हमने गियर बनाया था, देखिए पहला तो हम लोगों ने ये बनाया था, दूसरा हम लोगों ने ये बनाया था ऑर्बिट रोटेशन, जिस ऑर्बिट रोटेशन की बात मैं कर रहा था आपको जूम क्लास में। देखिए यही ऑर्बिट रोटेशन है, देखिए ये गियर हमने बनाया था, ठीक है। फिर ये भी आपने देखा किस तरीके से बना है। और आप बात करते हैं इसकी, ये देखिए ये डायमेंशन जो दिख रहा है, देखिए। और जिस ग्रिड को मैं समझाने की बात कर रहा था, F7 से जब मैं ऑन करेंगे, ठीक है, तो वो ग्रिड लाइन दिखेगी भी आपको जब 2D में हम लोग रहेंगे। और ये देखिए, ठीक है, ये मैंने बनाया है, इसके भी आप लोगों ने प्रोसेस देख लिया किस तरीके से है। और ये तो आप जानते हैं कि ये सॉफ्ट लगा रहता है, कि ये जो है इसमें लगता है और आपस में ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो देखिए बाकी की चीजें SBL सर भी हैं, आप लोगों को बता देंगे कि हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं, कि जैसे आपका सरफेस वाला है, एक मैंने सरफेस वाला भी बना करके रखा है, दिखा रहा हूँ आपको। स्केप करने से कमांड कैंसिल होता है, स्टार्ट में आते हैं, और आपका सरफेस वाला था ना, ओपन कैड सरफेस, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। सरफेस डेस्कटॉप, सरफेस कहाँ गया, सरफेस इसमें देख लो भाई, या एक सेकंड, यहाँ पे होने चाहिए सरफेस। डेस्कटॉप नहीं है, रडार यार इसमें नहीं रखा हूँ। ये रहा सरफेस, ठीक है। देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है कैसे ये बनेगा और किस तरीके से रहते हैं, ठीक है ना। पैन बटन का यूज करते हैं, जरा से इसको ले आते हैं और एडजस्ट करते हैं। देखिए एस्केप किए, जेड एंटर, ए एंटर, ठीक। ये चीजें आपको पता है। अब मैं आपको जो ड्राइंग बताऊंगा वो एक 3D एक और है जो कि आपके में है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है इसके टॉप व्यू में हम आते हैं, ठीक है। टॉप व्यू में आ गए, अब हम जो है लाइन लेंगे, एल एंटर किए, एक ऑर्थो को ऑन कर लीजिएगा, एफेक्ट। एफेक्ट ऑन करने के बाद आप जैसे चल दीजिए 20 का, ठीक है, और इधर चल दीजिए कितने का, 10 का, इधर चलिए कितने का, 10 का, इधर चलिए 5 का, इधर डायरेक्शन दीजिए 10 का, उसके बाद सी एंटर क्लोज कर दीजिए, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपको 3D में काम करना रहेगा तो आप किस में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग होगा, सेटिंग वाले पे क्लिक करिए, सिंपल है। 3D बेसिक में जाइए, ठीक, 3D बेसिक में जाएंगे, आप प्रेस फुल कमांड भी चला सकते हैं। यहाँ पे आइए, ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीजें 2D वायरफ्रेम में होनी चाहिए। एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, एक्सट्रूड करने के लिए आप ये पकड़िए, एक
ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह। अंडा करिए, कितनी हाइट देनी है दिख रहा ना? यस सर। हाइट कितनी देनी है आपको? हाइट दे दीजिए, कितने का दे सकते हैं? 5 का दे दीजिए। चलिए, क्योंकि आप एक बेड दे रहा ना, बेड, ये बेड हो गया 5, क्लियर है? अच्छा, अब इसको रोटेट करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे, ठीक। आपको मेजर करना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट देखिए 5 का है, दिखा रहा ना 5, क्लियर है? अब हम इसके फिर से टॉप व्यू में आए, सिंपली ऐसे किए। अब हमको बनाना क्या है, एक सर्कल लेना है। क्या लेना है? सर्कल। सी एंटर करिए इस पॉइंट पे। कितने का आप रेडियस दे दीजिए? आप फिलहाल चलिए रेडियस जो है 3 का। फिर अगेन स्पेस बार का यूज करिए, फिर इधर चलिए। ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, आपको इकट्ठे करके दिखाऊंगा। पूरा प्रोसेस पहले कर लेते हैं, तब आगे काम करते हैं। कंट्रोल जेड से वापस आइए और आप करिए सी एंटर, डाटा डालिए 3, फिर स्पेस बार से रिपीट करिए, फिर डालिए क्या 3.5, क्लियर है? ट्रिम चलाए, टी आर, डबल एंटर, आउट हो गया, ये साइड आउट, ये साइड आउट, ठीक। अब आप क्या करिए, एक और लीजिए सी, या स्पेस ले सकते हैं, सी एंटर करिए, ठीक है? और इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ना, ये हाईलाइट करेगा। अब यहाँ पे आपको ऐसे जो है लेना है, और एल एंटर करिए, अंदर के साइड में इस पॉइंट को पकड़ लीजिए और एल एंटर करिए। ये इंटरसेक्ट आपको दिखाएगा है, ये आप क्लिक करिए। अब सिंपली क्या करना है, टी आर, डबल एंटर। देखिए मैं आपको इजी गोइंग मेथड बता रहा हूँ, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। फिर आप ओ एंटर करिए और 2 का ऑफसेट ले लीजिए, वो मतलब ऑफसेट, सॉरी, ओ एंटर करिए और आप 0.9 का ऑफसेट लीजिए अंदर से। 0.9 का आपने ले लिया, अगेन जो है यहाँ से इस पॉइंट को पकड़िए। अब देखिए ये जो है इस पॉइंट से क्लोज रहेगा। आपको इतना सोचना पड़ेगा कि कम से कम टाइम में अधिक से अधिक कितना आप बना सकते हो, ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा। यहीं पे सारा जो है खेल चालू होता है कि आप कितने बड़े गुड थिंकर हो, क्योंकि ऑटोकैड जो है, अब देखिए ये जो है आपको लेना कितने का है, 4 का है। और अब सी एंटर फिर से करना है, और इस बार आपको लेना 4.5 का, हो गया। अब आपको टी आर डबल एंटर करना है। अब इसके अंदर का आप ये निकाल लीजिए, और इसके अंदर का एक बार और आप ये कट कर दीजिए, ये भी कट कर दीजिए, ये भी कट कर दीजिए, क्लियर है? अब हम वन बाय वन, अब इस ऑब्जेक्ट को ऐसे हम करेंगे, अब वन बाय वन पिक करेंगे। उसके लिए सिंपल, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेसफुल कमांड। ये इतना शॉर्ट ट्रिक मेथड मैं बता रहा हूँ कि आपके सारे काम जो है हो जाएंगे। अब याद रखिएगा, प्रेसफुल बाउंड्री में टच करिए, किनारे करेंगे किनारे होगा, जैसा भी मैंने देखा था इसको करेंगे तो ये उठेगा, ये डाउन जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, स्केप से बाहर जाइए, प्रेसफुल लीजिए, बाउंड्री के अंदर, ये देखिए बाउंड्री हाइट दीजिए। कितने का देना था आपको? 5 का। तो अगर बाहर से चलेंगे तो आपको काफी दिक्कत होगा, तो सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को देते हैं, ये समझ लीजिएगा, इसलिए मैं सब कुछ करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको दीजिए बाउंड्री के अंदर, चले यहाँ पे देखिए, इसको हाइट दीजिए। कितना हाइट देंगे आप? मान के चलिए आपको हाइट देना है इसकी 3, 3 ज्यादा हो जाएगा, आप डाल दीजिए 1, 1 ये हाइट हो गया।
अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, एक चीज करना, यहाँ पे जरा से मेरे से छूट गया, आपको कट सेक्शन भी तो चाहिए। रुकिए, मैं आपको कट सेक्शन दिखा दे रहा हूँ, दो कटिंग सेक्शन कर ही दे रहा हूँ, इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ट्रिम कर देते हैं, TR-00, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं व्यू की बात कर रहे थे वो हो गया, ये हो गया। अब फिर से मैं प्रेस पुल लिया, अब ये अंदर वाले पार्ट को देखिए, ये खाली है, ये नहीं उठेगा, अब ये उठेगा, ये उठेगा, तो मुझे ये उठाना है, ये उठाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये वाला उठाना है, ये कितना जाता है, ये आपका जाता है 2। अब ये जो है इसको लीजिए, ये आपका जाएगा कितना 5, और अब इसको पकड़िए, ये कितना जाता है 4.5, और ये पकड़िए, ये सॉरी ये पकड़िए, इसके सरफेस पर क्लिक करिए और डाउन, ये देखिए ये सभी का ये लेगा। अब यहाँ से नीचे जाइए, ये कितना देंगे 0.5, बेड लेवल दे दिए हम। अब कहेंगे कि ये कैसे बना है, तो देखिए ऑर्बिट रोटेट करिए, और ऑर्बिट रोटेट कमांड ये देखिए, ठीक है। अब कहेंगे कि ये कैसे ये है, तभी आपको दिखाते हैं, आपको जाना किस में है, सैडेड ये सब बता रहे थे ना आपको, तो ये कॉन्सेप्चुअल में चलते हैं। देखिए ये बना, ठीक है, ये वही है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। ये फुट स्टेप बेयरिंग है, कौन सी बेयरिंग है, फुट स्टेप बेयरिंग, सडेड मिट करके देखिए, देखिए अब आपको शायद समझ में आया। अभी मटेरियल जो है मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है, देखिए फुट स्टेप बेयरिंग है। अगर आपको पूरा पूरा इसको जैसे कवर में रहता है, तो आप कुछ नहीं, REC करिए, इस पॉइंट से पकड़िए और इस पॉइंट तक ले आ लीजिए, प्रेस पुल लीजिए, इसके बाउंड्री को पूरा पकड़िए, ठीक है, जरा सा इसको आईसो में देखिए, ठीक है, समझ आ रहा ना कैसे करना है। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, और इसी एंटर करिए, इसलिए कमांड आपको सारे याद होने चाहिए। ऐसे पकड़ लीजिए, इतने पे प्रोवाइड करना है, प्रेस पुल लीजिए, जरा सा आप चाहिए तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, प्रेस पुल, ये पूरे बाउंड्री पकड़िए, ऐसे ऊपर करेंगे, ये देखिए दिख रहा ना, ऐसे ही पकड़ा रहता है वो, और नीचे ये इस तरीके से वो लगे रहते हैं। अब ये जो सेक्शन बच रहा है उसको माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस कैसे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे सब स्ट्रक्चर का है, पहला वो जिसको हमको करना है, ठीक है, ये देखिए ये जुड़ चुका है, तो हमको जिसमें से जो घटाना रहता है वो हम घटा देते हैं, इसमें से एंटर करिए, इसको घटाना है, घटा दीजिए, देखिए घट गया पूरा, ऐसे घटता है ये, ठीक। तो आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये आपका कौन सा था, ये आपका जो है फुट स्टेप बेयरिंग है, फुट स्टेप बेयरिंग इस तरीके से बनती है। ये जनरल है, अगर आपको फुट स्टेप बेयरिंग में जैसे दो रिले लॉक लगे रहते हैं, स्केप करिए, रिले लॉक हो सकता है, आप रिले लॉक आपसे पूछ लिया जाए, कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे आइए, सैडल के जगह थोड़ा 2D वायर फ्रेम लीजिए,
और आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ई डबल एल करेंगे, पूरा दिख रहे हैं तभी इलिप्स आ जाएगा। तो आप ऐसे जो है देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी गोइंग मेथड मैं बता रहा हूँ, ये रहा ठीक है। इसको सेंटर में चाहे तो सेंटर में लगा सकते हैं, ये देखिए यही चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, आप टॉप व्यू को ऐसे ले आइए और आईसो में आइए, सिंपल प्रेस पुल लीजिए, इस ऑब्जेक्ट को पकड़िए नीचे की तरफ ये, और इसको पकड़िए नीचे की तरफ, हो गया। देखिए ओके ले, उतना ही लेगा जितना लेना चाहिए। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किस में से करना है हमको, इस सरफेस में से, इस सरफेस में से इस सरफेस को घटाना है ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे आइए और रियलिस्टिक देखिए, देखिए हो गया सिंपल, बहुत इजी गोइंग मेथड मैं बता रहा हूँ, इससे इजी आपको नहीं कहीं कोई बताएगा, यहाँ तक कि अच्छा अगर आप मेरे से पूछ दो कि सर इस पे हमको गियर या कोई चीज जोड़ना है, तो आप क्या करूंगा, ये जो फेस है इस पे कुछ नहीं। मैंने यही चीज तो मैं आप लोगों को कब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये यहाँ पे जो आया हुआ है ये प्लेन सिलेक्शन होता है, अगर टॉप पे चाहिए तो टॉप पे मिलेगा, साइड में चाहिए तो साइड में मिलेगा। देखो ये ऐसे करोगे तो देखो ये चेंज हो गया, देखो किस तरीके से है ठीक है, फिर ऐसे करोगे तो देखो चेंज होते जाएगा, दिख रहा है ये देखो ऐसे। अगर आपको इस पे चाहिए तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है, तो अगर अगर आपको ड्रॉ करना है तो सिंपल आप जान लेना, कोई भी चीज ड्रॉ करना है 2D में ही आना आप ठीक है। सर्कल ले लेता हूँ मैं, चलो यहाँ पे देखो ऐसे बनाना ये, क्यों, क्योंकि एक्स वाई हमारा इस तरीके से है। अब हमको इसी को क्या करना है, चेंज करना है, चेंज करना है तो उसके लिए ऐसे हम पकड़ेंगे और इस पे ये लगाएंगे और सी एंटर करो, देखो हो फ्रंट व्यू पे आओ इसकी, इलिप्स भी ले सकते हो, आठवां नहीं क्या मेरा, देखो टॉप पे पकड़ो इसको रोटेट करो, देखो सी हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे सी एंटर करो, सब बताते चल रहा हूँ आप लोगों को, ये रहा ठीक। प्रेस पुल लो, इस सर्कल को पकड़ो, देखो घटाओ बढ़ाओ कितना चाहिए, इतना चाहिए मान लो आपको वन ही चाहिए, ले लो वन, कोई दिक्कत नहीं है, वन ले लिए सिंपल। सब्ट्रैक्ट भी करना चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इंटरसेक्ट करना चाहो तो इंटरसेक्ट करते हो, नहीं तो एस्केप करो और यहाँ पे आओ, पहले ऐसे देख लो ये बना हुआ है ना, ये बना हुआ है, हमको घटाना है, देख लो समझ लो, पीछे डायरेक्ट माइन वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कहोगे क्या, अरे सर समझ में नहीं आया। देखो सब्ट्रैक्ट के लिए पहले वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर करो और फिर वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, क्या हुआ देखो, है इतना इजी, क्या दिक्कत है, जहां से चाहो वहां से बनाओ, जैसे चाहो वैसे काटो और क्या। अगर आपको इसके अंदर यहां तक कि कहा इसके अंदर ये इसके अंदर यहां पे अगर आपको इसको कट करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं दिखा देता हूं आपको क्या करना है, रियलिस्टिक से 2D में आना है, कुछ नहीं सी एंटर करिए, सीधी सी बात है, ये पॉइंट पकड़िए यहां पे, रुकिए
यही मैं कह रहा था, देखो चेंज किया हूँ कि नहीं, नीचे चेंज किया हूँ। देखो ये यहाँ पे मिला, अब देखो प्रेस पुल लो, कहाँ जाना, अंदर जाना है, अंदर ले जाओ, कितना अंदर, पूरा बाहर ले जाना है, ले जाओ यहाँ तक, क्या दिक्कत है। अब क्या करना तुमको, सब ट्रैक करना है। चलो रियलिस्टिक से दिखा रहा हूँ एक बार, और सब ट्रैक करके समझ जाओगे। देखो इतनी बड़ी गई है ना, यही पिस्टन ना अंदर पड़ता है जिसके लिए लॉकिंग रेल है। सबट्रैक्ट करो, किसमें से करना है, पहले आउटर ले लो सब, ये देखो ये और ये, इन सभी में से सबट्रैक्ट करना ना, एंटर करो। किसको सबट्रैक्ट करना है, इसको सबट्रैक्ट करना है। देखो हो लो गया, कितनी आसान सी चीज है। देखो आप कहाँ गया है, ऑर्बिट रोटेशन, देखो देखो मिला पूरा का पूरा, इतना इजी कोई बताएगा नहीं आपको। ये देखो मिला भाई मेरे, सिंपल है, कुछ करना थोड़ी है, ऐसे करते हैं काम। तो ये आपका फोर्थ स्टेप बेयरिंग कंप्लीट हुआ, ठीक।